नहीं भी खाएगा तो मर नहीं जाएगा तू। चालू करो माइक। चालू नहीं है। अरे नहीं भाइयों, इस नाटक में है वर्तमान और भविष्य की कहानी, जो है कर्म से पानी पानी। तो आइए आप सभी के सामने पेश है हमारे नाटक का पहला दृश्य, जिसमें है एक नदी की कहानी, जो सुनाएगी खुद अपनी जुबानी। चंदन चंदन गए हुए ले पकड़ रहा खड़ी है तो कम से कम कुछ तो कर। सुबह से इनको आप क्या खिलाई पिलाई है? दाल भात रोटी पानी। कहाँ का पानी पीते हैं आप लोग? नदी का पानी। अच्छा, गांव का वही प्रदूषित नदी? हाँ हाँ। और कोई साधन भी तो नहीं है, पानी कहाँ मर जा। अच्छा, कोई साधन नहीं है, इनको डायरिया हो गया है। रुको, हे मानव, मैंने क्या गुनाह किया है? बोलो बोलो, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने तो इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने में आपकी मदद की है। मैंने मनुष्यों जीव जंतुओं को जीवन प्रदान किया है, इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया है? बोलो बोलो, क्या दिया है आपने मुझे? मेरे में कूड़ा कचड़ा रासायनिक खाद इत्यादि डालकर मुझे प्रदूषित किया है। मनुष्य और मेरे अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का जीना दुर्भर किया है। हे मानव, समय रहते संभल जाओ। हे मानव, समय रहते संभल जाओ, वरना भविष्य में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। मुझ पर नहीं, खुद पर दया करो। मुझे प्रदूषित मत करो, मुझे प्रदूषित मत करो। हाँ हाँ, नदी ठीक कह रही है, हमें उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया है, हम आपको साफ रखेंगे और कभी गंदा नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं भाइयों, प्रदूषित पानी पीना नहीं, डर डर के तुम जीना नहीं। तो आइए आपके सामने पेश है हमारे नाटक का अगला दृश्य। आजकल कुछ लोग नल खुला ही छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। भाई भाई, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? आगे चले जाओ, वहाँ नल है, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। जी भाई, धन्यवाद। अब जाके मेरी प्यास बुझी। अरे भाई, तुमने तो नल खुला ही छोड़ दिया, तो कौन सा पानी खत्म हो जा रहा?
पानी को बर्बाद करते रहे तो भविष्य में हमारा क्या हाल होगा? आइए मैं आप सभी को नाटक के माध्यम से भविष्य का एक छोटा सा दृश्य दिखाती हूँ। वरमाला के लिए तैयार हो जाइए। हेलो, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो गया भैया? क्योंकि भाइयों, इन्होंने दहेज में 1000 लीटर पानी देने का जो मुझे वादा किया था पूरा नहीं किया है। अच्छा, साथ भाइयों, बारात वापस ले चलो। से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कर तो आइए आपके सामने पेश है अगला दृश्य जिसमें देखेंगे हम एक अनोखी सी चोरी जिसमें चोर चोरी कर रहे हैं पानी की बोरी। इसलिए कहते हैं भैया
जल ही जीवन है।